नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर महिपाल राठौड़ और आज स्टडी आईक्यू पर हम आपसे रूबरू करवाएंगे पायलट मिस स्नेहा शर्मा को। स्नेहा जी एक पायलट हैं, कमर्शियल पायलट हैं और साथ ही साथ वे Formula 4 रेसिंग में भी हिस्सा लेती हैं। शी इज वन ऑफ द वेरी फ्यू वुमेन इंडियन रेसर्स। तो स्नेहा जी, आपका स्वागत है स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पर। हेलो, हाय एवरीबॉडी, इट्स नाइस टू बी हियर। तो स्नेहा जी को हम स्टडी आईक्यू पर लेकर आए हैं क्योंकि हम आप सभी को ये बताना चाहते हैं कि भारत में और दुनिया में कितने विभिन्न प्रकार के करियर अपॉर्चुनिटीज आप सभी के लिए मौजूद हैं और उनमें जो सक्सेसफुल लोग हैं हम उनसे आपको मिलवाते रहते हैं। और इसी कड़ी में हम आपसे स्नेहा जी को मिलवाएंगे और हम जानेंगे कि कैसे स्नेहा जी एक प्रोफेशनल पायलट के साथ साथ एक रेसिंग करियर भी अपना मैनेज कर रही हैं। हाउ शी हैज डन दैट, व्हाट हैज बीन हर जर्नी। तो स्नेहा जी, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आप कहाँ से हैं, आपकी बेसिक एजुकेशन कहाँ से हुई है, थोड़ा सा हमें अपने बैकग्राउंड के बारे में आप बताइए। हाँ, मैं बॉम्बे से हूँ। मेरी बेसिक एजुकेशन बॉम्बे से हुई है, कनोसा कॉन्वेंट हाई स्कूल से। फिर मैंने 12th किया वालिया कॉलेज से। फिर मैं 17 इयर्स ऑफ एज पे मैं यूएस गई थी अपनी पाइन ट्रेनिंग करने। तो फिर वापस आके मैंने अपना यूएस लाइसेंस इंडियन लाइसेंस में कन्वर्ट किया और फिर मैंने एयरलाइन ज्वाइन की और साथ साथ में रेसिंग। जब आप पायलट बनी तब आप क्या एज की, कितनी एज थी आपकी? आई नो दैट यू बिकेम अ पायलट एट अ वेरी यंग एज। हाँ, एट द एज ऑफ 20 आई क्लियर्ड माय इंडिगो एग्जाम एंड एट द एज ऑफ 21 आई स्टार्टेड फ्लाइंग द एबस 320। वाओ, तो आप 21 साल की उम्र में हवाई जहाज उड़ा रही थी, और ये कैसी फीलिंग होती है? हाउ इज इट लाइक टू फ्लाई अ प्लेन? बिकॉज मोस्ट ऑफ अस डू नॉट हैव अ क्लू, ओनली द पायलट्स नो। यू आर अ वेरी स्मॉल क्लास ऑफ पीपल हु नो हाउ इट इज लाइक टू यू नो फ्लाई एन एंटायर एयरप्लेन फुल ऑफ पीपल। ओ, इट फील्स ग्रेट। इट्स अ वेरी गुड फीलिंग एंड थ्रिलिंग एंड बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब है, तो काफी सीरियसली भी करते हैं इस जॉब को। अच्छी फीलिंग, गुड फीलिंग। ओके, तो आप तभी से इंडिगो के साथ ही हैं, अपना पूरा करियर आपने इंडिगो के साथ बिताया है। जी हाँ, मैं पिछले 9 सालों से इंडिगो के साथ ही हूँ। वाओ, दैट्स सो ऑसम। तो पायलट होने के साथ साथ अब मैं आपके रेसिंग करियर पर आना चाहता हूँ, जो मुझे पर्सनली ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। मैं खुद मोटर स्पोर्ट्स का मतलब मैं मोटर स्पोर्ट्स फॉलो करता हूँ बचपन से। तो आप ये बताइए कि भारत में अगर किसी को मोटर स्पोर्ट्स में जाना है तो हाउ डज वन स्टार्ट? आपने कैसे स्टार्ट किया था मोटर स्पोर्ट्स में, एंट्री कैसे करी आपने? तो मैंने गो कार्टिंग से स्टार्ट किया था। मैं रिक्रिएशनल गो कार्टिंग करती थी। पवई में एक ट्रैक था मुंबई में, तो वहां पे मैं मजे के लिए जाती थी। फिर मुझे काफी शौक लग गया उस चीज का, तो फिर मैंने वहां पे ट्रेनिंग ली। मैकेनिक और ट्यूनर ट्रेनर से मैंने ट्रेनिंग ली और फिर मैंने उस एक्सपीरियंस से रेसेस में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, जैसे कि न्यूज़पेपर की और ऑर्गेनाइज रेसेस, टाइम्स ऑफ इंडिया रेस, इंटर कॉलेज रेसेस, बैंक रेसेस। फिर इन सब रेसेस में मैं फर्स्ट आती थी, तो मेरे को टाइम्स ऑफ इंडिया रेस में मुझे अप्रोच किया नेशनल टीम ने कि तुम हमारे साथ नेशनल रेसिंग करो। तो वो काफी टफ कॉल था क्योंकि आई वाज 16, आई वाज इन माय 11th डूइंग माय साइंस ऑलरेडी, एंड मैंने ऑलरेडी फ्लाइंग की पढ़ाई भी शुरू कर दी थी। ग्राउंड क्लासेस इंडिया में मैंने शुरू कर दी थी, तो काफी टफ कॉल था, पर मैंने आई टुक द लीप और मैंने नेशनल्स कर लिया द एज ऑफ 16 एंड 17। तो आई वाज ट्रैवलिंग अक्रॉस इंडिया ड्राइविंग गो कार्टिंग रेसेस, देन आई ग्रेजुएटेड टू लेटर फॉर्मूला टू सलून कार्स एंड देन आई ग्रेजुएटेड टू फॉर्मूला कार्स। यानी कि जब भारत के दूसरे बच्चे 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स दे रहे होते हैं जिस उम्र में, आप उस समय भारत में नेशनल लेवल की जूनियर रेसर बन चुकी थी। दैट इज सो ऑसम। तो आपने इस जूनियर लेवल की रेसिंग से अपने आप को एक लेवल ऊपर कैसे पहुंचाया, क्योंकि उसी वक्त आप पायलट की ट्रेनिंग भी कर रही होंगी? दिस वॉज आई गेस व्हेन यू वर जस्ट आउट ऑफ स्कूल। तो ये दोनों चीजों को आप साथ मैनेज कैसे करती थी? आई थिंक टाइम मैनेजमेंट प्लेड अ ह्यूज रोल एंड डेडिकेशन। आई रियली वांटेड टू डू इट, तो वो चीजें आई वांटेड टू डू इट फ्रॉम विद इन, तो वो टाइम इंसान खुद ही निकाल पाता है। तो काफी टाइम मुझे प्रैक्टिस करने को टाइम नहीं मिलता था। मैं अपनी बुक्स रेस ट्रैक पे लेके जाती थी ताकि मैं पढ़ाई कर सकूँ और उसके साथ साथ फिर मैं रेसिंग भी करती थी, तो हो गया फिर उसके साथ साथ। ओके, आप जब से कमर्शियल पायलट बनी है तब से आप अपना करियर रेसिंग में कंटिन्यू कर पा रही हैं, तो आपको क्या लीव लेनी पड़ती है रेसिंग में जाने के लिए? आप कैसे मैनेज करते हैं इस समय को, यानी कि कमर्शियली जब आप पायलट भी हैं और साथ साथ कमर्शियल पायलट हैं और साथ में आप रेस इवेंट्स में भी हिस्सा लेती हैं, तो ये आप कैसे मैनेज करती हैं? स्पेशली स्पॉन्सरशिप के बारे में भी थोड़ा बताइएगा।
मैं एक एयरलाइन पायलट हूँ, कमर्शियल पायलट लाइसेंस पहले था पर अब मैं कमांडर हूँ, तो मेरे पास एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस है, तो हमें एयरलाइन पायलट कहलाते हैं। तो मैं इनिशियली अपने पर्सनल लीव पे रेसिंग करती थी, बहुत मुश्किल होता था, अपना सारा फ्री टाइम और पर्सनल ऑफ एंड लीव्स में रेसेस और फिटनेस ट्रेनिंग में डालती थी। फिर बाद में इंडिगो ने देखा कि मेरी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, तो वो मेरे ऑनबोर्ड स्पॉन्सर बन के भी आए और उसके साथ साथ उन्होंने मुझे और लीव में भी हेल्प करना शुरू किया। तो मैं फ्लाइंग थोड़ा कम करती थी और रेसिंग ज्यादा करती थी पिछले साल। ओके. तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि विच वुड बी बेटर, फ्लाइंग एन एयरक्राफ्ट और रेसिंग अ कार, तो आप दोनों में से क्या चूज करेंगी? आई वुड से बोथ आर रियली ग्रेट एंड बोथ आर वेरी डिफरेंट। इन रेसिंग आई एम पुशिंग द कार टू एंड बियॉन्ड इट्स लिमिट्स ऑन द लिमिट ऑल द टाइम, एंड इन फ्लाइंग आई एम मेकिंग श्योर आई कीप द एयरक्राफ्ट विद इन इट्स लिमिट्स ऑल द टाइम। So that is the major difference between the two, but both are very similar high speed machines, highly technologically advanced machines, and you need to have knowledge before you get into the race car or in the aircraft. A lot of studying also goes into flying, so I was studying only today all day regarding flying. ओके. तो स्नेहा जी, आप अभी जिस लेवल पर रेसिंग कर रही हैं, दैट इज कॉल्ड फॉर्मूला 4. इसका मतलब क्या होता है? ये फोर किस चीज के लिए स्टैंड करता है, थोड़ा आप हमें एक्सप्लेन कर सकती हैं? हाँ, तो 1, 2, 3, 4 ऐसे करके होता है। तो ये साउथ ईस्ट एशिया चैंपियनशिप में मैं ड्राइव कर रही थी, मैंने पिछले साल जीती है चैंपियनशिप इन विमेन्स। तो दीज आर FIA होमोलोगेटेड कार्स। FIA इज द इंटरनेशनल बॉडी ऑफ मोटर स्पोर्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड दे गिव सर्टन गाइडलाइंस जिसके साथ गाड़ियां बिल्ट होती है। तो दीज आर माइगेल चासीज, रेनो इंजिन 2 लीटर लिमिटेड टू 1.6, वेरी फास्ट वेरी हैवी मशीन्स और उसमें मिनिमम वेट भी होता है एंड ऑल ऑफ दैट। तो फॉर्मूला 4 इज अ एंट्री लेवल मोटर स्पोर्ट इवेंट एंड दिस वाज अ इंटरनेशनल इवेंट। तो इन मेनी रेसेस आई वाज द ओनली इंडियन आल्सो ड्राइविंग इन द चैंपियनशिप, सो इट वाज अ वेरी गुड फीलिंग एंड टू विन रेसेस इन द लेडीज कप इट वाज वेरी नाइस। आई वन द एंटायर 2019 चैंपियनशिप। यस, हमने न्यूज में भी देखा था, तो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट, फॉर योर 2019 विन। मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि एज अ वुमन, हाउ डू यू फील इन मोटर स्पोर्ट्स? क्या आपको लगता है कि ये फील्ड भारत में महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छा करियर हो सकता है? आपका इस बारे में क्या कहना है? मोटर स्पोर्ट इज अ वेरी एक्सपेंसिव स्पोर्ट, तो उसमें करियर बनाना मुश्किल है, पर स्पॉन्सर्स लाना ही सबसे बड़ी बात होती है। तो करेंटली जेके टायर्स एंड इंडिगो आर माई स्पॉन्सर्स, उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया है। और स्टार्टिंग में मैं रेस ट्रैक पे जॉब भी करती थी, मैंने काफी जॉब्स किए हैं जैसे कि ट्रेनिंग, ट्यूनिंग, मैकेनिक का जॉब और इवन लोडिंग ट्रक्स एट द एंड ऑफ द डे। ये सब करके, टीम मैनेजमेंट करके, मेरे को सब्सिडाइज ड्राइविंग कॉस्ट मिलते थे, तो मैं अपनी रेसिंग अफोर्ड कर सकती थी। ये 2009 में था जब मैं US से आ गई थी और मैं अपनी फोर्थ स्ट्रोक नेशनल चैंपियनशिप कर रही थी, उसमें आई फिनिश सेकेंड ओवरऑल इन द ईयर एंड दैट वाज अ रिकॉर्ड आल्सो वेयर आई वाज द ओनली गर्ल इन द चैंपियनशिप एंड आई फिनिश सेकेंड। So it was a very good experience. So it is a career बना सकते हैं in the sense passion बना सकते हैं और उसमें अपना time डाल के, efforts डाल के, dedication करके you can go ahead. It is possible. अभी काफी infrastructure बन गया है, हमारे पास काफी go karting tracks भी हैं, जो JK Tyre national racing championships होते हैं, उनसे भी काफी opportunities मिलते हैं kids को to go ahead. Okay. स्नेहा जी, आप आज से 10 साल बाद भारत में मोटर स्पोर्ट्स को कहां पर देखती हैं? डू यू थिंक कि 10 इयर्स डाउन द लाइन इंडिया में मोटर स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा ग्रो करेगा? इसका क्या पोटेंशियल लगता है आपको? मुझे लग रहा है काफी बढ़ जाना चाहिए। हमें वापस फॉर्मूला 1 रेसेस इंडिया में लानी होगी। हमारे पास 2 फॉर्मूला 1 रेसेस हो चुकी है पहले, पर फिर वो कैलेंडर से हट गई थी। तो आई थिंक वापस एक बार फॉर्मूला 1 आ जाएगा इंडिया में तो इट विल बी रियली नाइस फॉर द कंट्री। तो उससे स्पोर्ट के ग्रोथ, एक्सपोजर एंड ऑल मिलेगा। बाइक रेसिंग भी काफी होती है, कार रेसिंग भी होती है। मैंने तो पिछले साल सारी रेसिंग इंटरनेशनली की थी, मलेशिया, थाईलैंड, इंडिया मिला के। तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। तो आई होप हमारे कंट्री में भी और बढ़ जाए, अच्छी गाड़ियां आ जाए रेसिंग के। ओके. स्नेहा जी, हमें आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा और आपने जो इनसाइट्स दी हैं, आई एम श्योर दे विल इंस्पायर आवर व्यूअर्स टू स्टार्ट अ करियर इन मोटर स्पोर्ट्स। और हम यही उम्मीद करेंगे कि आप भविष्य में भारत के लिए और ज्यादा चैंपियनशिप्स जीतें एंड यू हैव अ वेरी सक्सेसफुल मोटर रेसिंग करियर अलॉन्ग विथ योर पायलट्स करियर। बट वी वुड लाइक टू सी योर नेम नेशनली एंड इंटरनेशनली रिप्रेजेंटिंग इंडिया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस द टाइम एंड बींग ऑन आवर प्लेटफॉर्म। थैंक यू।